हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिवानी आर्ट क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज अपने इस वीडियो में हम एक प्रमुख भारतीय चित्रकार सुधीर रंजन खासगीर के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इनका जन्म देखते हैं। सुधीर रंजन खासगीर का जन्म 24 सितंबर 1907 बांग्लादेश के चटगांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 6 जून 1974 कोलकाता में हुई। सुधीर रंजन खासगीर जो थे, ये एक भारतीय चित्रकार थे और बंगाल की कला के भारतीय चित्रकार और साथ ही ये एक कला शिक्षक भी थे। तो चलिए विस्तार में इनका सामान्य परिचय देखते हैं। सुधीर रंजन खासगीर का जन्म बांग्लादेश के चटगांव में सन 1907 में हुआ था। यह एक भारतीय चित्रकार थे। ये पहले मूर्तिकार थे, उसके बाद चित्रकार थे। ये बंगाल शैली के चित्रकार थे और बंगाल कला स्कूल के शिक्षक भी थे। सुधीर रंजन खासगीर को चित्रकला की भारतीय शैली के लिए जाना जाता था। सुधीर अवनींद्रनाथ ठाकुर और नंदलाल बोस के शिष्य थे। वे टैगोर परिवार से काफ़ी प्रभावित थे। उनके क्लासिक कार्यों में भारतीय पौराणिक कथाओं, महिलाओं और ग्राम्य जीवन के दृश्यों के चित्र भी शामिल हैं। दून स्कूल खुलने पर 1935 में ये वहाँ के पहले कला शिक्षक थे। सुधीर अगले 20 वर्षों तक दून में रहे। उस अवधि के दौरान उन्होंने रवींद्रनाथ टैगोर की रचनाओं पर आधारित कुछ नृत्य नाटकों का भी प्रदर्शन किया। दून में राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने के दौरान ही उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 1956 में आमंत्रित किया गया और ये कला के लखनऊ कॉलेज और शिल्प लखनऊ विश्वविद्यालय में भी सेवारत रहे। 1956 से 1961 ईस्वी तक लखनऊ में प्राचार्य रहे। पाश्चात्य मूर्तिकार रौंदा और नंदलाल बोस का इन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। सुधीर रंजन खासगीर चित्रण, मूर्ति निर्माण, चारकोल चित्रण, कैनवास चित्रण और तैल चित्रण में काफ़ी माहिर थे। इनके प्रमुख चित्रों में हैं लय, विधवा, नग्नालय, बसंत, भिक्षुड़ी माँ, नववधु, गुरुदेव और बापू, तूफान में यात्रा, तालाब से वापसी, अधिक अन्न उपजाओ, आत्मा विस्मृत, दीपावली नृत्य, माँ व शिशु, प्रतिज्ञा, अमलतास पर कौवे। माँ व शिशु इनका काफ़ी फेमस चित्र है। साथ ही नववधु, भिक्षुणी माँ, बसंत, ये सभी चित्र इनके बहुत ही फेमस रहे हैं। शिक्षा के विषय में देखा जाए तो इनकी शिक्षा नंदलाल बोस के निर्देशन में हुई और सिंधिया स्कूल ग्वालियर में हुई। उन्होंने 1929 में शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। कला विषय में परास्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार सुधीर रंजन खासगीर थे। पुरस्कार भारतीय कला में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सन 1957 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स, आज आपने सुधीर रंजन खासगीर के विषय में जानकारी प्राप्त की। चलिए अब हम आपको इनके प्रमुख चित्रों को भी दिखा देते हैं। इनके प्रमुख चित्रों में आप देख सकते हैं डांसिंग गर्ल विद ज्वेल्स, नेक्स्ट है मदर एंड चाइल्ड, नेक्स्ट है द डांसर, नेक्स्ट है संथाल मैन प्लेइंग अ फ्लूट, नेक्स्ट है कृष्णा फ्लूटिंग टू वन ऑफ द गोपीज इन द मूनलाइट, नेक्स्ट है लेडी विद बर्ड, नेक्स्ट है बर्ड एंड हैमर, नेक्स्ट है रवींद्रनाथ टैगोर का चित्र भी इन्होंने बनाया है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा सुधीर रंजन खासगीर के बनाए हुए फेमस चित्रों को। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा और आप सभी ने सुधीर रंजन खासगीर के विषय में जानकारी प्राप्त की।
अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आर्ट की बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप सभी शिवानी आर्ट क्लासेज को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप और भी इम्पॉर्टेंट वीडियो के टॉपिक देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।